30 और 35 को ओपन करेंगे, उसके बाद में हम पार्ट लेंगे 31, 31 नंबर। और इसको जोड़ने के लिए हम जो बोल्ट नट बोल्ट लेंगे वो 4 नंबर के बोल्ट लेंगे, जिसमें कि 8 पीस रहेंगे, 4 नंबर के बोल्ट यानी कि ये 8 पीस रहेंगे। और हम उसके साथ में खोलेंगे 5 नंबर का, उसमें 8वीं बार रहेंगे। इसको फिर जोड़ते हैं। ये हमने 30 नंबर और 31 नंबर का पार्ट ले लिया है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसको हमें टाइट करने से पहले इस ग्रुप को देख लेना है, ये अप डाउन नहीं होना चाहिए, ये इस दोनों का लेवल आना चाहिए। अब ये राइट है, अब हम इसको टाइट कर सकते हैं। अब हमने ये 32 नंबर का पार्ट ले लिया है दूसरी तरफ लगाने के लिए। ये हमने फ्रेम तैयार कर लिया है, 30 नंबर, 31, 32 तीन पार्ट को हमने जोड़ दिया है। अब हम इसमें प्ले फील्ड बनाएंगे पहले। अब हम इसमें जो है नेक्स्ट जो का चौथा पार्ट है 35 नंबर का हम इंस्टॉल कर देंगे। नंबर वर्सल, और हमने दूसरा 30 नंबर का एक पार्ट लगाया है, उसके बाद में 35 नंबर का लगाया है, और अपना 34 नंबर का प्रीफिल डाल दिया है, और 31, 32 नंबर के 2 पार्ट। इसमें हमारा ये पार्ट तैयार हो गया है। अब हम नेक्स्ट, हमने ये 2 सपोर्ट ले लिए, और इसके लिए हम जो बोल्ट यूज़ करेंगे वो 7 नंबर का यूज़ करेंगे। कैटलॉग में देखें तो सपोर्ट नंबर 33 दिखेगी आपको, और स्क्रू आपको दिखेंगे 7 नंबर, इसके अंदर 4 पीस रहेंगे। अभी ये लगाना कैसे है वो आपको दिखाते हैं। तो हम खड़े में करेंगे, और यहाँ से जगह दी हुई है स्क्रू लगाने की। सॉरी, ये सपोर्ट में जो है 7 नंबर की बजाय जो 1 नंबर का स्क्रू रहेगा। ये हमारी सपोर्ट लग चुकी है। अब हम इसका दूसरा जो बैग 3 नंबर वाला वो है प्ले फिल, वो लगाते हैं।
इसको फिक्स करने के लिए स्क्रू जो लगेगा दो नंबर का लगेगा, और इसको यहाँ पे ऐसे स्क्रू कर देना है। कैटलॉग के हिसाब से देखें तो छः नंबर, दो नंबर आपको कैटलॉग में दो ही छः ही पीस दिखेंगे। उसके बाद हमने ये पट्टी एक निकलेगी, इसके अंदर एक ग्राइड पार्ट होगा, इसको हमें बैक साइड से फिट कर देना है। इसमें स्क्रू जो लगेगा वो तीन नंबर का लगेगा। हम लोग इसको फिट करेंगे, एक जो हमने नीचे लगाया था छोटा वाला पार्ट वहीं पे, इसमें हम अच्छा स्क्रू जो करेंगे वो एक नंबर वाले ही करेंगे। इसको हम फिक्स करेंगे तो ये चीज़ देख लेंगे, यहाँ पर एक और एक दो स्क्रू दिया है और ये साइड में भी दो, इन दोनों को मैच मिला के इस तरह हमें रखना है। इसमें एक नंबर की स्क्रू दो पीस इस तरह रहेंगे, बाकी चार पीस ऊपर लगेंगे। हम ये लेंगे पार्ट नंबर, कैटलॉग के हिसाब से जाए तो 29 नंबर पार्ट हमने ले लिया है, और इसको हम फिट करेंगे। जो हमने पहले स्क्रू जो प्लाई में फिट कर रखे हैं, इसके सेंटर वाले स्क्रू को थोड़ा लूज़ करेंगे, और लूज़ करके इसको ऐसे फंसा देंगे बस। अब हमने लिया है लेग, ये लेग का ध्यान देना पड़ेगा हमें, दो लेग हमारी इस तरह की लगेंगे, जो इधर अपना बास्केटबॉल का बना हुआ है, इसमें हम जो लेग ले रहे हैं वो नंबर में लेंगे, तो ये अपना 39 नंबर की लेग लगाएंगे इधर, 39 प्लस 40 दो पीस है। इसके अंदर हम जो बोल्ट यूज़ करेंगे इस तरह का रहेगा ये, और इसमें कैटलॉग के हिसाब से देखेंगे हम तो इसको ये 26 नंबर पर मिलेगा आपको। वैसे ही हम उस तरफ से भी यही करेंगे। इसका हमें टेपर क्रॉस याद रख के ध्यान देना है, क्रॉस हमारा इतना रहेगा इस पर। अभी हमने दूसरी तरफ की लेग ले ली है, जिसका नंबर पे रहेंगे आप तो 41 नंबर और 42 नंबर रहेगा। इसमें हमें लगाने के टाइम थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो ग्रुप कटा हुआ है, एक तरफ ये ग्रुप कटा हुआ है, एक तरफ ये प्लेन है, हमको ये जो ग्रुप कटा हुआ है ये अंदर की तरफ रखना है। ये जो हमने दोनों का बेस अंदर किया हुआ है, इसका भी हमने किया हुआ है, दोनों का सेम कर दिया है। ये हमने लैग सपोर्ट ले ली है, ये दो पीस होंगे, एक इस तरफ वाले लेग के लिए ये जो हमने आपको जगह छुड़वाई थी इसके अंदर एक पाइप लगा रहे हैं हम, इसको ऐसे फंसा देना है, और आप इसको कैटलॉग के हिसाब से ढूंढेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। पच्चीस नंबर, और इसके अंदर फिर एक रॉड पड़ेगी, इस रॉड को अगर आप कैटलॉग में देखते तो आपको ये मिलेगी 23 नंबर पे। शायद इसमें एक ये पहिया रहेगा, इसमें हम डालते हैं इसको, डालेंगे और इसके बाद इस नट लगेगा इस पर, नट जो रहेगा वो 6 नंबर का रहेगा। अगर इस पहिए का वो देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 23 नंबर पे, 22 नंबर पे सॉरी, और जो स्क्रू रहेगा इसका
बोल्ट इसका देंगे आप 6 नंबर रहेगा इसको टाइट करने के लिए। ऐसे ही हम इसको अब जो एक्स्ट्रा है इसको उधर करके हम उधर का ब्लैक ब्लैक पहिया लगा देंगे, और ये हमने लगा दिया है। हम स्टार्ट करने के लिए की का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपको टेबल के साथ दी जाती है। इसमें आपको हो सकता है प्लास की जरूरत पड़ जाए दूसरी तरफ रोकने के लिए, हमने यहाँ प्लास ले लिया है और हम इसको टाइट कर देंगे। हमने टाइट कर दिया इसको। अगर कैर लोगों ने मांगे तो 45 नंबर पर आपको ये मिल जाएगी। हमने ये फिक्स कर दिया है। अब इसे हम लेवल के लिए इसका एडजस्टर लगाएंगे, चारों लेग के अंदर लगेगा वो। ये जो रहेंगे 4 पीस रहेंगे इस तरह के एक पैकेट के अंदर, और इसको हम कैटलॉग में देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा सर 11 नंबर पे मिल जाएगा। इसमें लिखा हुआ है 4 पीस। हमारा ये बैक साइड का इसका काम जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम मूव करके सीधा करेंगे। स्ट्रेट कर दिया हमने। अब इसके ऊपर हम सबसे पहले जो है सारा मटेरियल खोल कर रख लेंगे। जैसे कि इसको आपको मिलेंगे ये ब्लैक पार्ट ऐसे 4 पीस। ये आप 4 पीस को अगर कैटलॉग में देखना चाहेंगे तो आपको 18 नंबर पर ये मिल जाएंगे। यहाँ पे 4 पीस लिखे हैं। उसका हम प्लेयर का सेट ले लेंगे, दोनों ही ले लेंगे जो भी है दो कलर के। ये आपको प्लेयर के सेट मिल जाएंगे 16 नंबर और प्लस 17 नंबर। वह दोनों प्लेयर का सेट हो गया। उसके बाद में हमें जो मिल जाएगा रिंग वार्सल मिलेगा, ये इस तरह के रिंग वार्सल रहेंगे। ये आपको मिल जाएंगे सर 10 नंबर पे। इसमें जो स्क्रू यूज होगा वो होगा अपना 8 नंबर का। अच्छा रखना है। सबसे पहले स्टार्टिंग हम 3 होल वाली रोड लेंगे, 1 2 3, और हैंडल लगाने के लिए पहचान रहा हूँ कॉर्नर पे जो है होल होगा आपके यहाँ वो आपको अपनी साइड रखना है। जैसे हमने ये एक पहला 3 पिलर वाली रोड डाल दी है, उसके बाद में हमने जो 2 होल वाली रोड ली है 2 पिलर वाली 1 2, और इसके कॉर्नर पर जो हॉल रहेगा ये भी हमने जो इससे पहले जो रोड डाली है उस पर साइड ही रखा हुआ है। इसके बाद हम फिर 3 होल वाली रॉड लेंगे 1 3, और इसका जो कॉर्नर होल है अब हमने जो है इनका अपनी साइड रखा हुआ है, इसका जो है दूसरी तरफ जाएगा अब ये। अब हम जो है 5 पिलर वाली रॉड लेंगे 5 होल वाली। अब इसका जो कॉर्नर का होल है फिर हमें अपनी फर्स्ट टाइम वाली रॉड की तरह अपनी तरफ रखना है। फिर हम 5 नंबर लेंगे। अब इसमें जो है इसका जो हॉल है कॉर्नर वाला वो अपोजिट दूसरी तरफ मतलब रखना रखेंगे। फिर से हम 3 नंबर हॉल की रोड लेंगे, इसका जो है हॉल हम फर्स्ट टाइम जो हमने रखा हुआ उस तरफ लेंगे। सबसे पहले हम रॉड को बैक लाएंगे और इसके अंदर एक ब्लैक पार्ट डालेंगे, उसके बाद में एक ये वाला कैप जो है आपका ब्लैक कलर का ये रहेगा। फिर उसके बाद में आप कोई सा भी पिलर एक स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो ब्लू हो या वाइट हो या येलो हो। इसका हेड हम आगे की तरफ रखेंगे और फिर से हम ब्लैक वाला पार्ट डालेंगे इसमें, और फिर से एक और वो ब्लैक वाली पार्ट सर, और हम इसको इस तरफ लगा देंगे। अब हम जो है इसमें भी वही सेम प्रोसेस रहेगा, सिर्फ एक ब्लैक वाला पार्ट नहीं रहेगा।
इसमें हम 2 प्लेट डालेंगे। हमने जो फर्स्ट और सेकंड जो रोड रखी है उसका हैंडल का हमने अपनी साइड रखा हुआ है, ये इसलिए होता है यहाँ पे हमें पता लगे कि हाँ हैंडल लगाना है। हम तीसरा नंबर रोड लेंगे, इसका भी सेम प्रोसेस रहेगा लेकिन इसमें प्लेयर चेंज हो जाएंगे क्योंकि इसका हैंडल उस तरफ है, इसमें प्लेयर दूसरे कलर के लगेंगे। इसमें जो हमने रॉड लगाया हुआ है, रॉड का अगर आप कैटलॉग में देखते हैं तो आपको 14 और 15 नंबर पर मिलेगा। तेरह, 14, 15 की या एल की या हॉल बाई हॉल फिक्स कर देने हैं इसी अपने 8 नंबर स्क्रू से। ये हमने प्लेयर कंप्लीट इसको टाइट कर दिए हैं। अब हम जो लेंगे वो हैंडल, ये जो रहेंगे हैंडल 8 पीस रहेंगे। इसको अगर आप कैटलॉग में देखेंगे तो आपको ये 12 नंबर पे मिल जाएगा। अब इसको हम लगाने कहाँ हैं ये आपको हम पहले बता चुके हैं, रोडों के जो कॉर्नर वाले होल हैं वहाँ लगेंगे ये। इसमें कोई नट या स्क्रू नहीं लगाना, सिर्फ आपको हल्का सा प्रेशर देके पुश कर देना है। चार पीस ये दूसरी साइड रहते हैं और 4 पीस इस साइड रहते हैं। इधर भी हमने जैसे कि आपको बताया है 4 होल हमने कॉर्नर के इधर रखे हुए हैं। अब इसके बाद हमने ये ओपन साइड जो है इसके लिए हम कैप होते हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं, अगर इसको कैप को आप कैटलॉग में देखेंगे तो आपको ये 19 नंबर पे मिलेगी सर। और ये इस तरह का पैकेट 8 पीस होंगे। इसको 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 लगाने के लिए भी कोई नट या स्क्रू नहीं चाहिए, हल्का सा आपको पुश कर देना है। स्कोरर लिया हुआ है, स्कोरर लगाने के लिए आपको यहाँ पे हल्का सा डॉट मिल जाएगा, कहाँ लगाना है इसको, एक ये है और दूसरा ये, इसको आपको ऐसे लगाना है। और इसमें जो है आपको स्क्रू जो लगेगा वो 7 नंबर का लगेगा। कैटलॉग में अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये 7 नंबर मिल जाएगा और स्कोरर का आपको मिलेगा 21 नंबर पे। अभी हमारा टेबल कंप्लीट हो चुका है,
अब हम आपको दिखाएंगे इसका 3-in-1 मॉडल का जो हम यूज़ करेंगे कैसे बास्केटबॉल का और निशाने के लिए, वो आपको करके दिखाते हैं। अभी बास्केटबॉल मिलेगी, इसके लिए एक पंप भी मिलेगा हवा भरने के लिए, कैसे भरते हैं आपको दिखाते हैं। ये इसका पॉइंट रहेगा, इसमें आप इसको अंदर डालेंगे और फिर पंप करेंगे इसको। ये पंप का जो मुंह है हमें पूरा अंदर घुसेरना है, तभी हवा भरेगी। ये हवा भर के तैयार हो गई है, थोड़ी सी हार्ड हो जाए फिर आप इसको छोड़ दीजिए। इसको अगर नंबर पर देखेंगे आप कैटलॉग में, तो आपको फुटबॉल जो है बास्केटबॉल 33 नंबर पे मिलेगी, पंप इसका 44 नंबर पे, 44 नंबर। टेबल हमारा कंप्लीट हो चुका है। निशाना मारने के लिए तीर आप अगर देखेंगे तो इसमें कैटलॉग में 28 नंबर पे मिलेगा आपको। हमारा कैटलॉग टेबल भी कंप्लीट हो गया, कैटलॉग के हिसाब से जितने भी पार्ट्स हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं। कोई ना एक्स्ट्रा ना कम, ऐसे आपको दो पार्ट मिलेंगे। इसको कहाँ कैसे यूज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ अभी। और ये आपको कैटलॉग में मिल जाएगा जी 27 नंबर पे। अब इसको कैसे और कहाँ यूज़ होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो हल्का सा वो है स्क्रू टाइप का, इसको यहाँ पे हल्का सा डॉट किया हुआ है, ये यहाँ हम इसको टाइट कर देंगे। ये हमने ऐसे लगा दिया है इसको, और इसको ऐसे न छोड़े, इसमें इसको ऐसे फंसा के रखें। इसका यूज़ अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ये दोनों तरफ रहेगा, इधर भी। इस टेबल को मूव करने के लिए आपको किसी तीसरे दूसरे आदमी की ज़रूरत नहीं। हल्का सा डॉट किया हुआ है ये, यहाँ हम इसको टाइट कर देंगे। ये हमने ऐसे लगा दिया है इसको, और इसको ऐसे न छोड़े, इसमें इसको ऐसे फंसा के रखें। इसका यूज़ अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ये दोनों तरफ रहेगा, इधर भी। इस टेबल को मूव करने के लिए आपको किसी तीसरे दूसरे आदमी की ज़रूरत नहीं है। इसमें लाइक लगे हुए हैं, आप इसको पहिए लगे हुए हैं, इसमें रनिंग करके आप कहीं भी ला सकते हैं, इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। अब आपको इसका 3-in-1 वाला मॉडल करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम 3-in-1 करने के लिए इसको, ये जो हमने लेग के जो बोल्ट लगाए हुए हैं इसको हम लूज़ कर देंगे, काफ़ी अच्छे लूज़ कर देंगे दोनों तरफ के। बस 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 संदीप, यहाँ पे पैर रख लो और वहाँ से उठा लो टेबल को। आने दो। अब हमें स्टॉप का करना है। हमने जो चेन वाला पार्ट लगाया आपको बता रहा, हम बताएंगे इसके दोनों के, इसको हॉल को मिला देंगे। एक तो लेग के अंदर हॉल है, एक साइड के अंदर लॉक है। इसको हम देख लेंगे प्रॉपर आ रहा है, इसको उसको हम फंसा के इसको स्टॉप कर देंगे। ऐसे ही हम दूसरी तरफ करेंगे, दूसरी तरफ हमने फंसा दिया है। अब आपको 3-in-1 का खेलना है तो आप यहाँ खेल सकते हैं, और इसका जो डॉटर है वो लगा देते हैं। ये जो है ये फिक्स नहीं रहता, ये बीच वाले स्क्रू को हम थोड़ा सा ढीला रखते हैं,
जब आपको खेलना है तो आप इसको लगा लीजिएगा, और नहीं खेलना है आपको ये तो आप इसको निकाल निकाल के रख सकते हैं।